ग्राम निवास खार के ग्रामीण बैगा आदिवासी सहित महिलाओं ने एटीआर के रेंजर व वन अमले के खिलाफ कुड़िया थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई है। ग्रामीणों का आरोप है कि एटीआर के अधिकारियों के द्वारा 2 मई को दलबल सहित कई घरों में जबरन घुसकर तलाशी लेने के बहाने संदूक का ताला तोड़कर तलाशी ली गई एवं रखे सामान एवं नकदी 10,000 रुपए ले जाने के साथ महिलाओं के साथ अभद्र व्यवहार किया गया है। यहां पे बताना लाजमी होगा कि जंगली जानवरों की गणना हेतु लगाए गए ट्रैप कैमरे में धनुष बाण सहित कुछ लोगों के जंगल में घूमती हुई तस्वीर कैमरे में कैद हुई थी, जिसके आधार पर 2 मई को एटीआर के रेंजर संदीप सिंह ठाकुर एवं मिश्राम के द्वारा घरों में तलाशी लेने के दौरान आरोपी लोगों के घर तलाशी लेने की जगह अन्य लोगों के घर तलाशी लेने के विरोध ग्रामवासियों ने किया है। साथ ही इतवारिया बाई के यहाँ जबरदस्ती घूमते हुए महिला के साथ गाली गलौज करते हुए कटहल फल काटे गए। जब्ती का विरोध करने पर वन कर्मियों के द्वारा मारपीट करने की बात कही गई। वही ट्रैक कैमरे में जंगल जाते हुए 4 लोगों की तस्वीर कैमरे में कैद हुई थी, जिसमें से 3 लोगों को गांव में ही छोड़ अन्य लोगों के घरों से तलाशी लेकर उन्हें आरोपी बताते हुए जेल भेज दिया गया है। अपने साथ हुए अभद्र व्यवहार को लेकर 2 महिलाओं ने कुड़िया चौकी में लिखित आवेदन देकर एटीआर के रेंजर सहित वन स्टाफ के ऊपर उचित कार्रवाई करने के लिए रिपोर्ट दर्ज करवाया है। इस पूरे मामले को संज्ञान में लेकर लोरमी विधायक ठाकुर धर्मजीत सिंह ने निवास खार पहुंचकर ग्रामीणों की समस्याओं से अवगत होते हुए इस घटना को निंदनीय कहते हुए छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से निष्पक्ष न्यायिक जांच करने की मांग की है। वहीं जांच नहीं होने की स्थिति में विधानसभा के समक्ष अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन करने की चेतावनी दी गई है। संदूक वगैरह तोड़ताड़ किए हैं 2-3 घरों का, और जिनका तस्वीर नहीं आया उनके घर में भी तलाशी ली है। इस बात को लेकर के हम शिकायत किए हैं और हमारे जो तलाशी ली उन घरों में महिलाओं के साथ छेड़छाड़, जैसे धक्का मार के घर से निकाल देना, गाली गलौज करना, इस प्रकार से हम थाना प्रभारी कुड़िया में थाना चौकी कुड़िया में शिकायत दर्ज कराए हैं। अब जल्द कार्रवाई नहीं होगी तब हम आगे फिर और उच्च स्तर के अधिकारी के पास अपना शिकायत दर्ज कराएंगे, अपने आदिवासी आयोग में भी शिकायत देंगे, ताकि हमारे ऊपर जो आरोप लगा है उसका सही तरीके से जांच हो सके। यही हमारे ग्रामवासी अभी तक के विचार विमर्श कर रहे हैं। मतलब फिर दे रहे हैं छापा करे, गाली गुतान भी देते रही, बताते रही कि मैं तो नहीं रहे, हम घर में इंक्वायरी करें तब और मोर भाई फिर से घर में तोला मतलब ने पकड़ के निकाल दे रही वही ना कि हाटो यहाँ से हम लोग तलाश कर रहे हैं यहाँ जहाँ पर ऐसी की। इतना समय नहीं रहता सर, माहौल कितना समय खराब हुआ। घर का है मोर ससुर है, हाँ तो नहीं है सर, उनका पता कहाँ गए से तो सीधा घर में घुस गई, तो मैं घर से निकलो इसे करके तो मैं घर ले नहीं निकला सर, मुझे पूछे लाइक मैं घर छोड़ के कहाँ जाऊँ, कोई नहीं घर ऐसे बोले, तो हम उठ पटांग शब्द निकालत रहे अति गाली करते सर, जैसे मोर पति बोले वैसे बोलत रहे, ओकर बाद कोठी में चढ़ गए तलाशी करी कुछ नहीं पाए, फिर पेटी तोड़ दी पूरा पूरा बर्तन भाड़े पूरा रन भाट रही में ताला तोड़ दी पेटी की, और वो फुल्ली गायब भी 10,000 पैसा गायब भी। निवास खास के ग्रामवासियों द्वारा एक सामूहिक शिकायत दिया गया है कि संदीप ठाकुर और उनके स्टाफ के द्वारा उनके साथ तथा 2 महिलाएं भी आवेदन दी है, जिसमें उनके पुरुष सदस्यों की अनुपस्थिति में उनके घर पर घुस करके कार्यस्थलों द्वारा जांच किया गया और उनके साथ दुर्व्यवहार किया गया। शिकायत प्राप्त हुआ है, उसकी जांच अभी नहीं हो पाई है। तेंदू पत्ता भी जो मोहा बिनने में गया था तो मुझे नहीं ले गए और दूसरे लोगों को ले गए, अब ये तो हाल है इनका। तो मैं विनम्र अपील करना चाहता हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी से कि आदिवासियों को प्रताड़ित करने का जो काम प्रशासन के द्वारा वन प्रशासन के द्वारा किया जा रहा है उस पर तत्काल रोक लगाई जाए और इसकी उच्च स्तरीय जांच की घोषणा की जाए। मुझे माननीय मुख्यमंत्री पर भरोसा है, उनके सलाहकार कोई भी आके जाँच कर लें, मुझे माननीय वन मंत्री पर भरोसा है वो खुद आ करके जाँच कर लें, और अगर वो भी नहीं आना चाहते हैं तो अपने किसी एक सीनियर IAS अफसर को भेज दें वो जाँच कर लें, अगर वो भी नहीं आना चाहते तो मैं और एक और विकल्प बताना चाहता हूँ, कोई भी एक मंत्री आ करके जांच करके चला जाए। भरे कोरोना संकट के काल के बीच अब प्रदेश में नमक का संकट मंडराया हुआ है।
आप सभी से नेशन अपडेट की टीम अपील करती है कि इस प्रकार के किसी भी भ्रामकता फैलाने वाले संदेशों से दूर रहे, क्योंकि सरकार ने स्वयं एडवाइजरी जारी करते हुए कहा है कि हमारे प्रदेश में नमक का भरपूर मात्रा में स्टॉक है। ऐसे में कोई भी व्यक्ति दुगने चौगने दामों में नमक ना खरीदे, और यदि कोई दुकानदार आपसे नमक के चौगने दाम वसूल करता है तो कृपया हमें हमारे नंबर पर फोन करके संपर्क करें, आपकी समस्याओं का तुरंत निराकरण होगा। तो अभी के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत, और इसी प्रकार की लेटेस्ट और रोचक खबरों से जुड़े रहने के लिए बने रहिए हमारे साथ nationupdate.in में। और हाँ, आप खबरों से हर पल अपडेट रहने के लिए आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं nationupdate.in का ऐप। फॉर मोर अपडेट सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल nationupdate.in।